रेडमी नोट 4 डिवाइस के लिए एक लेटेस्ट यू का पोर्ट रोम आ चुका है जो कि लेटेस्ट वीकली अपडेट पे रन कर रहा है और यहाँ पे कुछ नए फीचर्स प्लस नया इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी इसी लेटेस्ट अपडेट के बारे में देने वाला हूँ कि क्या कुछ हमें यहाँ पे नया देखने को मिल जाता है और क्या कुछ ऐसा है जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, वीडियो को लाइक करें नए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप लोगों के आजकल लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा निराशा होता है कि आप लोग इतने मेरे पॉपुलर यूजर्स हो, व्यूअर हो, फिर भी Redmi Note 4 के वीडियोज पे व्यूज कम आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है भाई। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, शेयर करो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो, देखते हैं कि इस बार हमें क्या कुछ नया मिलता है इस यू के वीकली अपडेट के अंदर। यू का जब भी ऑफिशियल अपडेट आता है बैक टू बैक हमें पोर्ट रोम देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे तरीके से अभी डेवलपमेंट रन कर रहा है हमारे Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए और यहाँ पे इसके साथ आपको Android 10 का सपोर्ट मिलता है, साथ साथ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2021.2.1 का है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैं ऑफिशियल अपडेट का रिव्यू किया था उसमें बहुत कम डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच था, तो यहाँ पे ये मिल गया जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे लेटेस्ट आपको बीटा बिल्ड मिलता है जो कि 21.1.27 का है जो कि MIUI 12.5 की ओर से है। यहाँ पे 3.18 का जीलो कर्नल यूज किया गया है, 4.9 नहीं है तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको उसी तरह से वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं किसी भी सेटिंग को ओपन करता हूँ स्पेशली यहाँ पे वॉलपेपर वाले ऑप्शन को, ये पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता था ओपन होने में बट ये पहले से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, यानी काफ़ी जल्दी ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो डिले रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम था उसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है तो आपको काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा ऐप्स के ओर से और सेटिंग वगैरह को ओपनिंग के टाइमिंग वगैरह में। बाकी यहाँ पे वही कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड वगैरह देखने को मिलेगा। और अगर ऑफिशियल चैनलों की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ऑफिशियल चैनलों। ये मेरे पास है Mi 10i जिसका मैंने रिव्यू किया था ऑफिशियल यू के ऊपर, तो सेम चैनलों इसके लिए भी काम करेगा, बस एक पोर्ट रोम है ऑफिशियल नहीं है लेकिन है तो यू लेटेस्ट बीटा पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेटेस्ट अपडेट में लिखा गया है 9 4G और MIT को है जो 12.5 का अपडेट मिल गया है, न्यू सुपर लाइव वॉलपेपर ऐड किया गया है, L1 का सपोर्ट कुछ डिवाइसेज को दिया गया है। क्लॉक के अंदर एक इशू था कि जब भी हम डिस्प्ले को लॉक करते हैं और अलार्म जब बजता तो हमें डिस्प्ले को अनलॉक करना पड़ता था अलार्म को ऑफ करने के लिए, तो एक बग था जो कि फिक्स किया गया है। गैलरी के अंदर हैवी यूजर डेटा हो रहा था, यानी बार बार इंटरनेट कनेक्शन का यूज होकर हमारा डेटा बर्बाद हो रहा था, तो उसे फिक्स किया गया है। यहाँ पे कुछ नया टच एंड साउंड वगैरह ऐड किया गया है, हैप्टिक फीडबैक्स वगैरह से रिलेटेड। डार्क मोड के अंदर इंडिविजुअल ऐप्स जो आते हैं वो लोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ ऐप्स तो शो ही नहीं कर रहे थे, उसे फिक्स किया गया है। सिक्योरिटी के अंदर कुछ नया बैटरी हेल्थ वगैरह ऑप्शन ऐड किया गया है, साथ साथ यहाँ पे है जो ऐप वैलिड में वॉलपेपर को ब्लर करने का इफेक्ट ऐड किया गया है और सर्चिंग का जो टैब एनिमेशन है उसे ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये ऑफिशियल चेंज लॉग है और इसके अलावा क्या कुछ हमें इसमें डिफरेंट देखने को मिलता है चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डार्क मोड पे जो लोडिंग का प्रॉब्लम था वो फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, चाहे ये पोर्ट रोम हो या ऑफिशियल सब में ये इशू था तो ये रिसॉल्व हो चुका है। बाकी आपका डार्क मोड, रीडिंग मोड, यहाँ पे ऑल रोटेशन वगैरह काम करता है। अगर हम आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर तो यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ही है जिसमें कुछ खास चेंज नहीं है। होम स्क्रीन के अंदर वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है जहाँ पे अरेंज आइटम है, ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड और बेटर रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आता है। साथ साथ अगर हम फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं मिला है। बैटरी के हेल्थ के अंदर एक नया चेंज है बट ये बहुत कम डिवाइसेज को देखने को मिला है। तो अगर हम अपने ऊपर आते हैं इस फ़ोन के ऊपर तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ बिल्कुल ही सिंपल है और Mi 10i की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिंपल ही देखने को मिलता है, यानी K20 Pro, Mi 10i वगैरह में भी कोई ऐसा फीचर्स ऐड नहीं किया गया है। तो जो 888 के साथ हार्डवेयर वगैरह आ रहे हैं उन्हीं में शायद ऐड हुआ है, तो आप देख सकते हो साइड बाई साइड कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर रियली में क्या चेंज देखने को मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो बैटरी यूजेज है पुअर, नॉर्मल, गुड और एक्सीलेंट। तो कुछ इस टाइप से नया फीचर्स ऐड हुआ है जो कि कुछ ही डिवाइस के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए ताकि हम इसे पोर्ट रोम में भी यूज कर पाए, बट अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। एडिशनल के अंदर आपको वही फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाता है, रीजन चेंज का ऑप्शन मिलता है जिसमें कुछ खास चेंज नहीं है, वही ओल्ड एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें कुछ खास चेंज नहीं है।
लेकिन गैलरी के अंदर कुछ नया ऐड हुआ है जो कि ऑफिशियल ईयू के अंदर भी है और स्पोर्ट रोम के अंदर भी है, आईडी आर्ट और वीडियो इफेक्ट, जबकि वीडियो एडिटर तो अलग से हमें मिलता ही था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं कमी कहूँगा कि यहाँ पे जो वीडियो एडिटर है ये काम नहीं कर रहा है, बट ये कैसे काम करता है चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। आ जाते हैं ऑफिशियल डिवाइस के ऊपर जिसमें ऑफिशियल ईयू का अपडेट है। गैलरी के ऊपर ये रहा, मैंने इफेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जब हम इस वीडियो इफेक्ट का यूज करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा खासा फिल्टर्स दिया गया है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं और साउंड ट्रैक वगैरह भी दिया गया है। तो बस यहाँ पे पोर्ट्रेट पे आना है, स्टार्ट पे टैप करना है, किसी भी फेस कैम वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे टैप करना है, उसके बाद फिल्टर को अप्लाई करना है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बट यहाँ पे इसका एक बग है। क्या बग है चलिए देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, आप देखोगे वापस बैक आ जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि फिक्स नहीं हुआ। मैंने मैनुअल इसे अपडेट करने की कोशिश किया है गैलरी को, बट काम नहीं कर रहा है। तो कुछ अगर फिक्स आता है तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार ये फीचर्स है जो कि मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बट फिलहाल अभी ये बग ही है। इसके अलावा हमें जो वेदर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिलता है। अनटूटू का स्कोर मैंने यहाँ पे 2 टाइम रन किया है, तो दोनों टाइम में हल्का फुल्का ऊपर नीचे स्कोर दिखा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने कर्नल वगैरह को। तो 98332 का स्कोर देखने को मिलता है जो कि एक नॉर्मल स्कोर पे है। साथ ही साथ अगर हम आते हैं अपने कंट्रोल सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सेमी पार्ट्स, यहाँ पे लॉक टाइल्स और FPS। तो यहाँ पे आपको FPS मीटर देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। इस पर टैप करेंगे तो आपको मिलेगा NFS पार्ट जो कि आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से डिटेल के साथ, जिसमें जो MI साउंड इन्हेंसर प्रोवाइड किया गया है जो कि डिफॉल्ट वाला काम तो करता नहीं है, तो हमें वाइपर या डॉल्बी वगैरह यूज करना होगा। डिस्प्ले कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए, बैटरी के लिए, सुपर बैटरी सेविंग वगैरह देखने को मिलेगा, जिसे आप बैटरी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, सेव कर सकते हो। यहाँ पे ड्रिक साउंड कंट्रोलर मिलता है जो कि हमें कस्टम रोम में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे इस MIUI के ऊपर देखने को मिलता है जो कि कस्टम रोम में दिखता था। तो ये प्रॉपर आपको काम करता हुआ मिलेगा, क्योंकि जो ऑफिशियल है हमारा MI साउंड कंट्रोलर ये काम नहीं करता है पोर्ट रोम के अंदर, बट अलग से दिया गया है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सिलिनक्स है, प्रेसिस्ट का ऑप्शन मिलता है, बाकी 2-3 ऑप्शन अभी डिसेबल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलता है इस रोम की ओर से, और ये पहले से रूटेड नहीं होता है, बट इसका जो डिवाइस सर्टिफाइड है वो भी नहीं रहेगा, तो आपको इसे फिक्स करने के लिए इसे रूट करना पड़ेगा, तब जाके आप बैंकिंग के ऐप को यूज कर पाओगे। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे कुछ नया फीचर्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नए फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, और गेमिंग के लिए FPS मीटर वगैरह भी दिया गया है, और रैम मैनेजमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई सारे टैब्स यहाँ पे ओपन हैं, और यहाँ पे फ्री मेमोरी जो हमें देखने को मिलता है वो है 1.7 GB का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो रैम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, जो ऐप्स ओपनिंग वगैरह है, टच रिस्पॉन्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो इसे यूज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब आप लोग कमेंट करने वाले हो कि भाई हम OS को यूज करें या फिर इस EU को यूज करें या फिर जो Razer आया था उसे यूज करें। तो भाई मैं आपको बता दूं कि EU एक लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट फीचर के साथ रन कर रहा है, तो आपको सब कुछ लेटेस्ट मिलेगा। और OneOS की अगर बात करें तो वो भी लेटेस्ट ही है, बट वो थोड़ा एक स्टेप पीछे हो जाता है, तो आप देख लो उसे पिक करना है या इसे पिक करना है। बट आप अभी कोई ऐसे रोम के ऊपर हो जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहा है फीचर्स वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, तो आपको स्विच करने की, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक दो मैंने नया फीचर्स बताया था जो कि चिनलोक में है, बट हमारे डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर उसके फीचर्स की बात करके क्या है, तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक फीचर्स है जो कि काफ़ी हाई एंड वाले डिवाइसेज के अंदर ऐड किया गया है। जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो क्लिप देखने को मिलेगा साउंड के प्रोफाइल में, जहाँ पे आपको पता चलेगा नेचर, साउंड्स वगैरह, टच, हैप्टिक फीडबैक्स वगैरह, जो कि हाई एंड के डिवाइसेज के अंदर है। अभी तक ना ही K20 Pro के अंदर ऐड हुआ है, ना ही Mi 10i के अंदर, ये सिर्फ 888 वाले हार्डवेयर के अंदर देखने को मिला है। तो शायद आगे चल के ऐड हो जाए, बट अभी नहीं है। तो जैसे ये फीचर्स ऐड होगा हमें अपने पोर्ट रोम के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको आएगा तो हमें भी मिलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट कम कर दोगे तो भाई बहुत दिक्कत होगा और मुझे मजबूरन फिर इसे लीव करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस है जो कि रोम के मामले में किंग है, सभी डिवाइस से ऊपर आता है पुराना होने के बावजूद भी। और ऐसे डिवाइस पे अगर व्यूज कम आने लगेंगे, आपके लाइक्स कम आने लगेंगे, तो भाई क्या करना है, मजबूरन तो लीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे काम होता है सब कुछ आप लोगों की वजह से ही होता है, और आप लोग सपोर्ट छोड़ोगे तो मुझे भी लीव करना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।